किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी जानकारी है वह हमारी जो पेड़ी फसल में उसमें स्प्रे, कीटनाशक का स्प्रे कैसे करें और कितने समय बाद करें, तो मैं इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, हमारी जो अभी जिसमें हमारे किसान भाई स्प्रे कर रहे हैं, ये हमारी गन्ना पेड़ी की फसल है और इसमें रोग लग रहा है, तो हमारे जो भाई हैं वे इसमें स्प्रे कर रहे हैं। तो देखते हैं किस चीज़ का स्प्रे कर रहे हैं और क्या रोग है इस गन्ने में, तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही पास वाली घंटी जोर दबा दें, जिससे खेती संबंधी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं अब हम। तो दोस्तों, इस गन्ने में देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये रोग लग रहा है। इसमें कुछ तो कुणसवे के चांस से कुणसवा लग रहा है, और ये देख सकते हैं आप कुणसवा, और कहीं कहीं पर ये देखिए आप फंगस भी लग रही है, यहाँ पर रोग भी लग रहा है। ये देखिए आप, इस तरीके का गन्ने में रोग लग रहा है। और दोस्तों, इसमें गन्ने में कहीं कहीं तो चोटी बेधक का भी असर आने लगा है, और जो टॉप बोरर का, ये देखिए आप, कहीं मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से, जैसे कि इसमें ये देखिए असर आना स्टार्ट हो चुका है इस गन्ने में। और तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ स्प्रे कर रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से गन्ने में स्प्रे चल रहा है पेड़ी फसल में। और ये पत्ती देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये सिकुड़ रही है, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए और इसमें स्प्रे किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब किसान भाई से पूछते हैं किस चीज़ का मैं स्प्रे कर रहे हैं, कौन कौन सी दवाई उन्होंने इसमें मिला रखी है, तो जानते हैं उनसे अब। तो पूछते हैं भाइयों, तो सर आप किस चीज़ का स्प्रे कर रहे हैं इसमें? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक वो एमिडा जी, और एक क्लोरोबारीफास जी, एक विक्टर, अच्छा, और एक, तो ये सारी दवाई मिक्स कर आप इसमें स्प्रे कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट कैसा है? जैसे कि आपने पहले भी इसका स्प्रे किया, रिजल्ट ठीक ही, अच्छा सही है, सही है। अच्छा, तो कीट वीट जितने भी है सब कंट्रोल हो जाएंगे इससे, जो हमारी पत्तियां हैं सिकुड़ रही हैं सब ठीक हो जाएंगी। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी मिला रखा है, और एमिडा जी, और मोनोसिला, और भाई वो विक्टोरिया। अच्छा, तो ये सब मिला रखी है, फफूंद नाशक भी मिला दी इसमें पहले ही आपने, और माइक्रो न्यूट्रिएंट लिक्विड वाला मिला रखा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किसान भाई बता रहे हैं कि ये सब चीज़ हमने इसमें मिला रखी है, और दूसरा स्प्रे इस खेत में चल रहा है यहाँ पर अभी, और ये गन्ने की पेड़ी फसल है, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पेड़ी फसल खड़ी है यहाँ पर, ये मुंडा बोलते हैं हमारे यहाँ पर, और पेड़ी भी बोलते हैं इसको, तो काफ़ी अच्छी खड़ी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्प्रे गन्ने में नहीं किया, अगर आपके कीट के चांस उसमें लग रहे हैं, तो आप भी उसमें जल्द से जल्द स्प्रे कर लें, ताकि आपका गन्ना सही से अच्छे से ग्रोथ करे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ एक नई वीडियो, नई जानकारी में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।